निधि शर्मा मुक्ति वाहिनी की जो मुक्ति सोसाइटी की प्रेसिडेंट हैं उनको यहाँ स्टेज पर बुलाता हूँ। ये महिला बाइकर्स 4 अक्टूबर किलोमीटर का सफर तय करते हुए और रास्ते में जितने भी पड़ाव थे उस दौरान ग्रामीण महिलाओं से हुए भी हमारा राष्ट्र एक है। इसी राष्ट्रीय एकता और अग्नि वाली हमारी सीआरपीएफ की महिला बाइकर को आज इस समारोह के माध्यम से शत्रु बुद्धि का विनाश करता है ऐसे दीप की ज्योति को हम नमन करते हैं। हमारा दायित्व बनता है कि अधिक से अधिक पौधे लगाएं और अनुरोध करूंगा कि इस पावन कार्य में अपनी कर्तव्य धोनी के साथ सहयोग करें। यहाँ पर हम स्वागत करते हैं, आप यहाँ पर आए इस हमारे इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। मार्ग में आने वाले राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में विभिन्न समारोह के माध्यम मुझे मालूम है कि सोच का क्या योगदान है भारत की आंतरिक सुरक्षा में। कोई भी समस्या ऐसी नहीं आई है आंतरिक सुरक्षा की जिसमें सीआरपीएफ ने अपना रोल बखूबी नहीं निभाया है। और अगर जीना है खुददारी से हर अहम से अपना स्वाभिमान वीर जवान हो इसलिए अपने आंचल में हम सब आज सीआरपीएफ का महिला बाइकर्स बल यशस्विनी जिसकी शुरुआत जम्मू और कश्मीर क्षेत्र के श्रीनगर से की गई थी और 2 टोलियां शिलोंग और कन्याकुमारी से भी निकली हैं और ये सब पूरे देश में एकता का, महिला सशक्तिकरण का, सीआरपीएफ के शौर्य और उनके पराक्रम का, उनके बलिदान की गाथा का तथा जो समाज में महत्वपूर्ण बिंदु हैं राष्ट्रीय एकता का, पर्यावरण का, महिलाओं के सशक्तिकरण का, बेटियों के उत्थान का, उनकी शिक्षा का, फिटनेस का, हेल्थ का, ये सब मैसेज पूरे देश में फैलाएंगे। ये मेरे लिए बहुत गर्व की बात है कि आज इस अवसर पर मैं यहाँ उपस्थित हूँ और उन सबको अपनी बधाई और शुभकामनाएं दे रहा हूँ। सीआरपीएफ का योगदान भारत की आंतरिक सुरक्षा में अद्वितीय है और चाहे कोई भी समस्या कहीं भी रही हो आंतरिक सुरक्षा की, सीआरपीएफ ने सभी चुनौतियों को भली भांति लिया है और देश को सुरक्षित रखा है। महिलाओं का भी योगदान सीआरपीएफ में उत्कृष्ट रहा है और वो आज कंधे से कंधा मिलाकर चाहे छत्तीसगढ़ के जंगल हों, चाहे अरुणाचल जम्मू कश्मीर की पहाड़ियां हों, वीआईपी सुरक्षा हो, कमांडो एक्शन हो, क्यूएटीज हो, सभी में वो कंधे से कंधा मिलाकर काम करती हैं और विदेशों में भी इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं। इस अवसर पर मैं बाइकर्स का जो उनकी टीम है विशेष रूप से उनको और पूरे सीआरपीएफ को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। जय हिंद, जय भारत। व्हाट इज द पर्पस ऑफ वुमेन बाइक रैली?
CRPF has organized this motorcycle rally of women bikers from the CRPF, and the main message that they wish to convey is that of national unity, women's safety and empowerment. And I'm sure that this bikers mobile rally will go a long way in spreading that message. So this rally commenced in from Srinagar on 3rd of October and reached Jammu on 4th of October, and they will further move from here today. They moved from here today, and they will finally conclude on 31st October at Ekta Nagar in Gujarat. So while they are traveling through the various parts of the country, they will spread the same message. They will have local programs where they'll meet with the public persons and the women folk, the young persons there. And I'm sure that these twin messages of women's safety and national unity